हेलो नमस्ते दोस्तों, अनुरोध अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और हमने सिंधु सभ्यता की सभी इम्पोर्टेंट मेजर साइट पढ़ ली थी। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको धौलावीरा साइट से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया था कि धौलावीरा साइट में विशेष प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। ये आप नोट या याद कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता से जो धर्म से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट या फैक्ट हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें एक सील मिली है, उस पर एक पर्सन है जो मेडिटेशन कर रहे हैं, गले के अंदर कुछ लटका हुआ है, ऊपर से कुछ बह रहा है और आसपास जानवर हैं। तो हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे तो हमारे शिव जी हैं, इसलिए दोस्तों हमने इसे पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा सील का नाम दिया गया है। अब ये लोग किसकी पूजा किया करते थे और किसकी पूजा नहीं करते थे, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना कि ये लोग देवी माँ की पूजा किया करते थे, प्रकृति या पृथ्वी की पूजा किया करते थे और पशु पूजा किया करते थे। अब सिंधु सभ्यता में गैंडा के साक्ष्य मिले हैं, कबूतर, पीपल के पेड़ के साक्ष्य मिले हैं और ये भी साक्ष्य मिले हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा हुआ करती थी, और आग के भी प्रमाण मिले हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब दोस्तों, उस समय पर ताबीज भी हुआ करता था। अब उस ज़माने में लोग मूर्ति की पूजा किया करते थे, आर्यंस के टाइम पर नहीं किया करते थे क्योंकि मूर्तियां हमें मिली हैं। अब दोस्तों, वहां पर मंदिर उस ज़माने में नहीं हुआ करते थे लेकिन मूर्ति पूजा प्रचलन में थी। अब ये चीज़ें हमें जो देखने को मिलती हैं, अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं और आपसे पूछूं कि कौन सा धर्म है, तो आप यही कहोगे कि मूर्ति पूजा हो गई, पीपल के पेड़ की पूजा और ताबीज, इन सारी चीज़ों से यही लगता है कि ये लोग हिंदू धर्म मानते होंगे। उस ज़माने में कोई टेंपल तो नहीं था। अब दोस्तों, ये पॉइंट है, जैसे कि वहाँ पर हिंदू धार्मिक प्रथाओं में समानता देखने को मिलती है, धार्मिक प्रथाओं में समानता देखने को मिलती है, वैसे असमानता देखने को मिलती है। जैसे राजा और उसके अधिकारी पश्चिम में ऊपर वाले दुर्ग की तरफ रहा करते थे और आम लोग नीचे रहा करते थे, लेकिन धार्मिक प्रथाओं में समानता देखने को मिलती है। और दोस्तों, कई लोग तो ये भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के वर्तमान स्वरूप में के फलस्वरूप ही हिंदू धर्म की उत्पत्ति बाद में हुई थी। अब दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे, जिनको हम लोग हिंदू बोलते हैं, ये सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग थे। जितने भी लोग यहाँ रहते थे उनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती थी, यानी कि सारे लोग एक जैसे रहा करते थे, यहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों, आज हमने सिंधु सभ्यता में धर्म से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए हैं। ऐसे ही हम आगे और जो सिंधु सभ्यता में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जो भाई बहन या दोस्त हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।